नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ मुस्कुराते हुए। लेकिन दुख भरी एक दोस्त एक दास्तान लेकर आया हूँ सभी के सामने। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा और सीबीएसई बोर्ड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके द्वारा दोस्त एक डिमांड चलाई जा रही है, और डिमांड ये कही गई है कि जो टर्म वन के दोस्त उनके आपको पता है कि 30 नवंबर से जो क्लास टेंथ में उनके एग्जाम होने वाले हैं, मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, और जो 12th क्लास में पढ़ते हैं उनके 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। अब ये नवंबर दिसंबर का महीना सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट टर्म का एग्जाम जाने वाला है। अब इसी दौरान जो एनुएस बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो अक्टूबर और नवंबर सेशन में हैं उनका भी एग्जाम होने वाला है। तो अब डिमांड ये हुई है सीबीएसई वाले बच्चों की तरफ से कि ये जो टर्म वन का एग्जाम होगा ये एमसीक्यू होगा, और एमसीक्यू के अंदर हो भी रहा है प्लस ऑफलाइन हो रहा है। अब ऑफलाइन देने के लिए बच्चे अगर सेंटर पर तो जाएंगे, अब उनका वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ पड़ा है, तो भाई दिक्कत है यहाँ पे। उन्होंने क्या किया दोस्त, बहुत बड़े एक लार्ज नंबर के द्वारा बहुत ऑडियंस आई, और सीबीएसई के स्टूडेंट्स थे सारे उनके पेरेंट्स के द्वारा एक डिमांड उठाई गई और ऑनलाइन पिटीशन साइन करवाया गया, और ये डिमांड सीबीएसई बोर्ड तक पहुंच गई। जिसके अंदर अब बात ये हो रही है, अगर सीबीएसई बोर्ड टर्म वन के एग्जाम कैंसिल कर देता है तो यानी कि टर्म वन के जो एग्जाम कैंसिल हुआ वो टर्म टू के साथ होंगे सीबीएसई बोर्ड, यानी कि नेक्स्ट ईयर होते। अभी कैंसिल हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप सभी को, अभी डिसीजन चल रहा है ये। अगर हो जाता है तो फिर तो ये यानी कि दोस्त बच्चे अभी क्या करते हैं, 5 चैप्टर अभी पढ़ के एग्जाम दे देते, अब वो 5 चैप्टर सेकंड टर्म में आते ही नहीं, फिर सेकंड टर्म में 5 चैप्टर तो बर्डन कम हो जाता। बाय द वे दोस्त, लेकिन टॉपिक हमारा ये है कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स ने ये डिमांड उठा दिया है टर्म वन कैंसिल करवाने के लिए। तो जब सीबीएसई बोर्ड उठा सकता है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स डिमांड कर सकते हैं, तो एनुएस बोर्ड के स्टूडेंट्स क्यों नहीं? अब ऐसा एनुएस बोर्ड के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर प्लीज़ अब हमारे लिए आप भी कुछ करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं सर आप आ जाओ हमारे लिए भी थोड़ा सा पिटीशन चला दो आप भी। देखो यार, आप सबसे जितना मुझे लगाव है उतना किसी से भी नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्त, मैं खुद सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा लेकिन फिर भी मैं एनुएस बोर्ड के अंदर आया। क्यों? क्योंकि आप सबको गाइड करने के लिए, मेरे दोस्त आज से नहीं 9 साल से आपको गाइड कर रहा हूँ। आप दोस्त बात उस मुद्दे की करता हूँ जिसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सबके द्वारा ये कहा गया कि सर प्लीज़ किसी भी तरीके से अक्टूबर वाले बच्चों को जस्टिस दिलाऊँ। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक आप सबको भी बुक्स नहीं मिला है, आपको भी वैक्सीन नहीं लगा है। बच्चे सिर्फ सीबीएसई बोर्ड वाले हैं क्या? आप बच्चे नहीं हो। लेकिन मैं इतना ये नहीं कह रहा मैं कि सीधे सीधे एग्जाम को कैंसिल कर दो। अगर सीबीएसई बोर्ड कैंसिल करती है ना करती है उससे मतलब नहीं है, हमें एनुएस बोर्ड कैंसिल कर दो। मैं जानता हूं दोस्त, अगर मैं ऐसा बोल भी दूंगा तो एनुएस बोर्ड नहीं करेगी। मैं फिर से बता रहा हूं सभी को, एनुएस बोर्ड का ये कहना है कि जो सीबीएसई करती है वो हम स्टेप फॉलो करते हैं। अब लोकल स्टेप फॉलो क्यों? जब सीबीएसई के स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, एनएस के बोर्ड के बच्चे डिमांड करेंगे। देखो यार, अभी तक क्या हो रहा है कि उन तमाम बच्चों को जो हमारे ऑनलाइन ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं उनकी गारंटी हम ले लेते हैं। अब बस जैसे बताते हैं एग्जाम में लिख कर आ जाओ, बाकी पास करवाने की गारंटी हमारी हो जाती है। लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, उन बच्चों को बता रहा हूँ जो चाहते हैं अपना साल बर्बाद ना हो और वो चाहते हैं कि बस किसी तरह से पास हो जाए इस बोर्ड से, उन बच्चों का दोस्त हमने ये ग्रुप बनाया है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाओ। एंड सबसे पहली बात मैं अब बताना चाहता हूँ, वो बच्चे दोस्त जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर स्टूडेंट हैं, वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं 10th या 12th के अंदर, वो डिमांड बहुत तेज़ी से कर रहे हैं अपने एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए। उसी में देखा जाए तो एनुएस बोर्ड के भी लिए बच्चे काफ़ी बहुत परेशान हैं, वो भी डिमांड कर रहे हैं। तो उन सब के रिक्वेस्ट पे इस बार, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही एक उम्मीद सी बंद हो गई थी कि कैसे क्या हो, अब एग्ज़ाम कैंसिल होगा नहीं क्योंकि 2 डेट सीट और दे दी गई है, लेकिन मुद्दा जायज़ है। जो प्रॉब्लम है भाई वो सॉलिड है, सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख दी गई है। बच्चों के पास ना स्टडी मटेरियल है ना ही दोस्त, यहाँ पे भी काफ़ी समय से स्टडी सेंटर क्लोज भी चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अभी तक की इतने बड़े लेवल में बच्चों को प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है एनुएस द्वारा, वो तो दोस्त हम किसी तरीके से बच्चों को प्रोवाइड करवा पाते हैं। इसलिए मैं बताता हूँ कि आपको इस क्लास में जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। एंड अभी देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया लेकिन एनुएस बोर्ड ने कुछ नहीं किया। सीबीएसई बोर्ड ने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाए, पेपर एग्जाम पैटर्न बनाए, लेकिन एनुएस बोर्ड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोस्त ये सब चीज़ें हैं जो एनुएस बोर्ड के बच्चों को काफ़ी दुख देता है, और इस दुख की घड़ी में अगर मैं मनीष वर्मा आपके साथ नहीं रहा तो दोस्त मेरा एनुएस बोर्ड के अंदर आना व्यर्थ है। मुझे लगता है कि दोस्त अगर आप सबके साथ मैं हर पल खड़ा रहा हूँ, चाहे इस जून 2021 के सेशन में हूँ, पिछले बार अक्टूबर वाले बच्चे हों या पिछले बार जून वाले बच्चे हों, लेकिन हमेशा सफलता जून वाले स्टूडेंट्स को ही मिला है। ऐसा क्यों? क्या एनुएस बोर्ड जून और अक्टूबर के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन करती है? ऐसा ना हो प्लीज़। मैं ऐसा नहीं कह रहा यार कि नहीं हमें बस जो भी जल्दी वाले जो डिसीजन लेना वो ले लेना चाहिए, नहीं, पहले डिस्कस कर लो सभी बच्चों के लिए क्या सही है वो कर लो। एग्जाम ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन ले लो, इतना बड़ा सिलेबस जरूरी नहीं है दोस्त, एमसीक्यू क्वेश्चन के तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन एनुएस बोर्ड के भाई सुनने को राजी नहीं है भाई। इसीलिए इन सभी डिमांड्स को देखते हुए
हमने भी वही सेम किया जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट कर रहे हैं। आपसे भी एक चीज़ कहता हूँ, क्योंकि दोस्त अब एनुअल सपोर्ट नहीं, सेंट्रल मिनिस्ट्री पे आप सभी का डिमांड जाना चाहिए। अभी जो एक लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्त आपको लिखा होगा पिटीशन लिंक, पिटीशन लिंक पे क्लिक करें, आपको सामने ये वाला पेज खोलकर आ जाएगा। इस पेज के दोस्तों नीचे आया और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो जो प्रॉब्लम दी गई है, वो आप इसको रीड कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ एक बटन में क्लिक हियर टू साइन अप ऑन पिटीशन, आप दोस्त इसको क्लिक करके आप पिटीशन वाले पेज पे आ जाओगे और देन इसके बाद आप इसको साइन करो, जितना ज़्यादा हो सकता है साइन करो। मुद्दा दोस्त मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को किसी तरीके से आनंद फार्म जल्दबाजी बस सबको पास कर दो या हम बिना पढ़े पास होना चाहते हैं, नहीं दोस्त ऐसा मुद्दा नहीं है मेरे, बिल्कुल मैं फिर से बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो एनुअल स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है, चाहे स्टडी मटेरियल की, बुक्स की, स्टडी सेंटर की, एग्जाम सेंटर की, काफ़ी अफेक्टेड एरिया भी है कोरोना से, वो कैसे एग्जाम देंगे, इन सबका सोल्यूशन एनुअल बोर्ड को निकालना चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है दोस्त, इसके लिए प्लीज़ पिटीशन को साइन करें। यहाँ पे आके सिंपल जैसे ये पेज खुलेगा, हमें जस्टिस चाहिए एनुअल वाले स्टूडेंट्स के साथ ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यहाँ पे आपको अपना नाम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी डाल के सिंपली आपको यहाँ पे साइन दिस पिटीशन पे क्लिक कर देना है। सिंपल दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरे मुद्दे से सहमत हो और एनुअल बोर्ड को, अब एनुअल बोर्ड को मैं सच बता रहा हूँ, अक्टूबर के स्टूडेंट्स को इग्नोर नहीं करना होगा। उनकी डिमांड जो है एनुअल बोर्ड की, दोस्त जितने भी एनुअल स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड यहाँ पे जो लिखी गई है, ये जो प्रॉब्लम है इनको दोस्त सॉल्व करना होगा किसी भी तरीके से। एनुअल बोर्ड इस पर जरूर एक्शन ले, रिक्वेस्ट करता हूँ बड़ी संख्या में आओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आस पड़ोस माता पिता भाई बहन बंधु सबसे साइन करवाओ जहाँ तक हो सके। अक्टूबर वाले बच्चे शांत मत बैठना, बस चाहते हैं हम कि थोड़ा सा ये जो डिले कर रहे हैं ना ये, और प्लस आप सब क्यों इग्नोर कर रहे हैं ये, इस चीज़ का बुरा लग रहा है मुझे। प्लस सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, आप भी करो, डिमांड करने में क्या जा रहा है। तो पिटीशन साइन करने में मुश्किल से आपका 10 से 15 सेकंड लगेगा, बस साइन कर दो एक बार। प्लस स्टडी तो हमारी चली रही है, कौन सा हमने स्टडी बंद कर दिया है। मैं फिर से बता रहा हूँ मेरे दोस्त, पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, बस पिछले 3 सालों क्वेश्चन पेपर है। वो कहाँ मिलेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मैं सारा सोल्यूशन आपको बताते चलता हूँ। ऐसा नहीं दोस्त मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा दोस्त, नहीं पढ़ाई छोड़ दो एग्ज़ाम कैंसिल करवा दूंगा, ऐसा नहीं मेरे दोस्त। हम पिटीशन जारी कर रहे हैं, इस पिटीशन में आप सब साइन करोगे, मुद्दा हाईलाइट होगा, मुद्दा सेंट्रल मिनिस्टर पे जाएगा, अब सेंट्रल मिनिस्ट्री एनुअल बोर्ड को ऑर्डर देगी करना क्या है। अब हम ये मुद्दा टोटली एनुअल बोर्ड और सेंट्रल मिनिस्टर पे छोड़ देते हैं। आप सभी को अपनी स्टडी जो आप कर रहे हो इस टाइम वो करते रहना है। कोई भी प्रॉब्लम होता है, स्टडी में प्रॉब्लम होती है, बुक नहीं है पीडीएफ डाउनलोड कर लो जब तक मेरे दोस्त, है ना। बाकी बुक्स तो बहुत बच्चों को नहीं मिला, मैं इस दुख को समझता हूँ मेरे दोस्त, बहुत सारे बच्चों को बुक्स नहीं मिला है। और पीडीएफ से कब तक पढ़ा जाएगा यार, ये भी सोचो ना, कब तक पढ़ा जाएगा पीडीएफ से। एक प्रॉब्लम, एक लिमिट होती है पीडीएफ से पढ़ने की, बुक की फीलिंग और पीडीएफ में दिक्कत है, लेकिन फिर भी टाइम बहुत कम है। थोड़ा दोस्त एनुअल बोर्ड कभी भी नहीं सुनेगी आपकी, रिजल्ट आपकी आपका आ भी जाएगा ना, तो जब आप बोलने जाओगे मेरे पास बुक ही नहीं था, बोलेंगे हम क्या करें फिर, आपने जो एग्ज़ाम तो दिया ना, क्योंकि आप फेल हो चुके हो, आप वो क्या करें, कुछ भी नहीं करेंगे आपके लिए वो, बस बोल आप कुछ भी दे दो, कितनी भी सफाई दे दो, आप वो यही कहेंगे कि आप एक्सक्यूज बना रहे हो, अपने आप बहाने बना रहे हो, कुछ भी नहीं मानेंगे मेरे दोस्त। तो इन एक्सक्यूजेस को दोस्त वो आपके बहाना दे देंगे कि बस नहीं हम नहीं जानते या फेल वाल फॉल कर देंगे वो यार। इसलिए अभी ज़रूरी ये है कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ो और जो आपकी डिमांड है उसके लिए पिटीशन पे साइन करके आप अपनी डिमांड को आगे तक पहुँचाओ। इस डिमांड को आगे तक पहुँचाने में दोस्त मैं आपका जरिया बनूंगा ताकि मैं आगे आप सबके लिए बात करूँ। और जस्टिस कम से कम तो यार जो प्रॉब्लम से वो हाईलाइट हो और ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द आप सबके सामने आए और इसका सोल्यूशन भी निकल कर आए। प्लस मैं फिर से कहना चाहता हूँ, गारंटेड पास मैं उन बच्चों को करवा रहा हूँ जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे, मैं लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको लाइव करवाने वाला हूँ। प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स के मकसद से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सबको देने वाला हूँ। आज ही ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, सीट फुल ना हो जाए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है ज्वाइन ऑनलाइन क्लास, लिखा होगा उस पर जाकर जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। अप्रैल बैच के 2022 के स्टूडेंट हो या अक्टूबर तो हो जाए 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हो, ऐसा मौका फिर नहीं आता मेरा दोस्त। तो प्लीज़ मेरा साथ देना, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी जाओ और पिटीशन पे साइन करो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। जय हिंद, जय भारत।